नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्णव नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे बढ़ गया है और कैसे इंडियन स्पेस कंपनीज इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रही हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के कोफाउंडर ने कमबैक कर लिया है और अब तो यार टिकटॉक के स्टार भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने लग गए हैं। ये सब और भी बहुत कुछ इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़ के इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहली और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि विंकलवॉस ट्विंस का कहना है कि आगे जाके एक बिटकॉइन की प्राइस $500,000 से ज्यादा हो सकती है। तो विंकलवॉस ट्विंस, अगर आपने द सोशल नेटवर्क मूवी देखी होगी तो ये वही दो भाई थे जिनका कहना था कि यार एक्चुअली में फेसबुक का आइडिया उन्होंने सोचा था। उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को बोला था कि यार इस आइडिया पे काम करो, पर मार्क जुकरबर्ग ने खुद से कोड करके अपने नाम पे ये कंपनी लॉन्च कर दी। तो उसके बाद उन्होंने केस फाइल किया, उनको थोड़े बहुत पैसे मिले, उसके बाद उन्होंने कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी, यहाँ तक कि ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया। पर अब उनका कहना है कि यार एक बिटकॉइन का प्राइस आगे जाके $500,000 यानी 3.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकता है। तो वैसे अगर आप देखेंगे यार इस साल बिटकॉइन का प्राइस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा है, यहाँ तक कि 2 साल पहले जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था $19,500 के आसपास का था, उसको भी क्रॉस कर ही चुका है। और अब तो लग रहा है कि यार बिटकॉइन का प्राइस ऐसे आगे और बढ़ता रहेगा, पर क्या 3.5 करोड़ रुपये तक बढ़ पाएगा वो तो यार टाइम ही बताएगा। पर अगर आपको यार इंडिया में बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार आप neo.exchange ट्राई करो, क्योंकि यार ये एक वन ऑफ द इजीएस्ट वे है बिटकॉइन में इंडिया में इन्वेस्ट करने का। आप यहाँ तक कि UPI के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसकी शुरुआत करिए सीरियल एंटरप्रेन्योर्स वरुण, रत्नेश और सिड ने, जिन्होंने इससे पहले अपना जो स्टार्टअप था बीवाइज उसको उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप को बेचा था, और अभी जो उनका न्यू डेफाई प्रोडक्ट है उसमें 230 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और अगर हम न्यू एक्सचेंज की बात कर लें, यहाँ पे रजिस्टर करना बहुत ही आसान है। आपको KYC करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड डालना है, अपने बेसिक डिटेल्स भरने, और 3 मिनट से भी कम टाइम में आपका KYC हो जाता है। और उसके बाद तो यार आप बिटकॉइंस खरीदना या बेचना 20 सेकंड से भी कम टाइम में कर सकते हो। आराम से अपना बैंक अकाउंट लिंक करो या फिर UPI तक से भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। और हाँ यार, आप विड्रॉल भी सीधा अपने बैंक अकाउंट पे ही कर सकते हो। इसके अलावा इनका जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट है, जहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और इन्होंने अपने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स भी बनाए हैं जिसमें आप दूसरे यूजर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जान सकते हो। और एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यार हर एक ट्रांजैक्शन में आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जिससे आपको और फ्री बिटकॉइन मिल सकते हैं। इसके अलावा रेफरल में भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर हम बिटकॉइन की बात कर लें, इस साल तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ ही रहा है, पर अब यार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि PayPal, BlackRock, JP Morgan ये सब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लग रहा है कि यार बिटकॉइन का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। पर यार आप इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर अच्छे से रिसर्च करना, ऐसे ही इन्वेस्ट मत कर देना। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके ऐप ट्राई आउट करो और एटलीस्ट क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज तो गेन कर ही लो, क्योंकि यार ये सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आगे भी इसका काफ़ी बड़ा स्कोप है। अगली न्यूज़ ये है कि यार बैंगलोर बेस्ड स्पेसटेक स्टार्टअप पिक्सल ने गवर्नमेंट ओन कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप कर ली है, जिनकी मदद से वो अगले साल अपना अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके लिए वो इसरो का PSLV रॉकेट यूज करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार ये वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन होने वाला है, जिससे वो कई एनवायरमेंटल और एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वो क्रॉप हेल्थ स्टेटस, सॉइल में कितना मॉइस्चर है और उस एरिया में कितना मॉइस्चर है, ये सारा डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि यार इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि यार प्राइवेट प्लेयर्स भी स्पेस इंडस्ट्री में आए, और अब ये सेगमेंट भी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो रहा है। पर देखना पड़ेगा कि यार SpaceX ने जितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है वैसे कोई इंडियन स्टार्टअप कर पाता है कि नहीं। अगली न्यूज़ ये है कि यार दुनिया की मोस्ट फॉलोड टिकटॉक स्टार ने अपना पहला स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि यार US की 16 साल की चार्ली दे एमिलियो, जिसके करीब 100 मिलियन से भी ज़्यादा टिकटॉक फॉलोअर्स हैं, उसने भी रिसेंटली अपना पहला स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट किया। तो उसने US बेस्ड बैंकिंग सर्विस, जो कि टीनेजर्स पे फोकस करते हैं, स्टेप, उनके सीरीज बी राउंड में पार्ट लिया, जिसमें जस्टिन टिम्बरलेक, द चेन स्मोकर्स, इन सब ने भी पार्ट लिया है।
तो अभी ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होने वाला है और चार्ली खुद फाइनेंशियल लिटरेसी इन सारे चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाएंगी। और जैसा कि आपको पता है कि यार आजकल टिकटॉकर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है स्पेशली टीनेजर्स पे, और ये स्टार्टअप भी टीनेजर्स पे फोकस करती है, तो उनको लगा होगा कि यार इन्फ्लुएंसर्स पे वैसे इतने ज़्यादा पैसे खर्च होते ही हैं, क्यों ना हम सबसे बड़े टिकटॉक स्टार को इन्वेस्टर ही बना दें। तो अब देखते हैं कि यार ये इन्वेस्टमेंट कितना फ़ायदेमंद होता है चार्ली और स्टार्टअप के लिए। पर इससे ये पता चल रहा है कि यार ये जो आगे जाके जो सोशल मीडिया स्टार्स होने वाले ना, ये भी आगे जाके काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे और अपने खुद के भी स्टार्टअप्स खोलेंगे। अच्छा, और सारे न्यूज़ जैसे कि यार MDH के फाउंडर की डेथ हो गई, पिज्ज़ा हट के फाउंडर की डेथ हो गई, इसके अलावा सेल्सफोर्स ने स्लैक को ख़रीद लिया है, रिचेस्ट वुमेन की भी लिस्ट आ गई है, ये सारे के ऊपर मैंने डिटेल में पोस्ट ऑलरेडी इंस्टाग्राम में शेयर कर दिए हैं, मिनी केस स्टडीज टाइप के हैं, तो इंस्टाग्राम ट्विटर सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। अगली न्यूज़ एलन मस्क से रिलेटेड है और उनका कहना है कि 2026 तक ह्यूमंस मार्स पे पहुंच जाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि यार एलन मस्क का सपना है मार्स को कॉलोनाइज करने का, पर इतनी जल्दी लोग वहाँ पहुँच जाएंगे ये शायद लोगों को आइडिया नहीं था। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी से बोरिया बिस्तर पैक करना शुरू कर दो, लोग US जाने के सपने देखते हैं, हम मार्स की तैयारी कर लेते हैं। वैसे उससे पहले एलन मस्क रेस करवाने वाले हैं कि यार दो रिमोट कंट्रोल कार, कि यार कौन पहले चांद तक पहुँचता है। मतलब यहाँ पर सड़क पे दो गाड़ियाँ रेस करती है तो पुलिस चालान काट देती है, और ये आसमान में गाड़ियों की रेस करवाएंगे। पर हैं यार एलन मस्क, वो करते भी सारे काम नेक्स्ट लेवल के हैं, और ये एक्चुअली फ्रैंक स्टीफनसन के साथ कोलैबोरेशन है जिन्होंने फरारी और मैकलेरन में भी पहले काम किया हुआ है। तो अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की ओर, जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप को कितने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिली है इस हफ्ते। पहली फंडिंग न्यूज ये है कि यार फोनपे ने 700 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेज कर ली है वॉलमार्ट से। तो फोनपे को थोड़ा अलग किया जा रहा है फ्लिपकार्ट से, जिससे कि यार वो अलग से फंडिंग रेज कर पाए और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे और ज़्यादा फोकस कर पाए। तो अभी इस फंडिंग राउंड के बाद वॉलमार्ट को 13% स्टेक मिला है फ़ोनपे पे, और फ़ोनपे का वैल्यूएशन 5.5 बिलियन डॉलर्स हो गया है। और इसके बाद एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये कि यार फ्लिपकार्ट के कोफाउंडर बिनी बंसल भी फ़ोनपे के बोर्ड पे आ चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि यार बिनी बंसल कैसे फ़ोनपे को गाइड करते हैं, और अभी जो ये UPI का सेगमेंट है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, कभी गूगल पे मार्केट लीडर होता है तो कभी फ़ोनपे मार्केट लीडर होता है, पर अब व्हाट्सएप पे भी आ गया है। तो देखना पड़ेगा कि यार फंडिंग तो अलग से बहुत ज़्यादा मिल गई है, पर कैसे वो नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करते हैं और अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। अगली फंडिंग न्यूज़ ये है कि यार बैंगलोर बेस्ड क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट स्टार्टअप क्रेड ने अपने सीरी सी राउंड में 80 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेज कर ली है। तो अब उनका वैल्यूएशन 800 मिलियन डॉलर्स हो गया है, और इस फंडिंग राउंड में रिबिट कैपिटल, सिक्योर कैपिटल, टाइगर ग्लोबल इन सब ने पार्ट लिया था। तो क्रेड, जैसा कि आपको पता है कि यार आपका पहली बात तो क्रेडिट कार्ड स्कोर 750 से ज़्यादा होना चाहिए, और उसके बाद आप आराम से अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स उस ऐप पे कर सकते हो, इसके बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपना एक ई कॉमर्स स्टोर टाइप का भी खोला है जिसमें जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो अपना सामान बेच सकते हैं। इसके अलावा वो लोन्स और हाउस रेंट पे करने का ऑप्शन भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू देते हैं। तो अभी आपको पता है कि यार IPL के वो स्पॉन्सर भी थे और उनके एड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, तो इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स अब उनके प्लेटफॉर्म पे आए, और वैसे भी वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर ही रहे हैं, तो इसके वजह से उनको ये फंडिंग मिली है। पर अब देखना पड़ेगा कि यार वो और क्या क्या नई नई चीज़ें करते हैं और एक्चुअल में वो किन तरीक़ों से पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सप्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आगे वहाँ फॉलो कर लो, और न्यू एक्सचेंज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी डाउनलोड कर लेना। आगे हम ऐसे स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे, तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।